दिस शो इज मोर ब्रूटल देन गेम ऑफ थ्रोन्स। सही में इसके पहले एपिसोड में जितनी ब्रूटैलिटी देखी है मैंने, उतना देखने के बाद मैं जरूर बोल सकता हूँ कि ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। बाकी जिसको नहीं पता मैं किस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई कहाँ जी रहे हो तुम लोग। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की, जिसका पहला एपिसोड आज सुबह सुबह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसकी स्टोरी क्या है, तो ये हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की 200 साल पुरानी हिस्ट्री को बताता है। और तुम वेट कर रहे हो कि ये शो देखना चाहिए या नहीं, तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम ये वीडियो देखो और उसके बाद जाकर फर्स्ट एपिसोड देख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। एपिसोड 1 की स्टोरी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर की, तो इस एपिसोड में हमने देखा कि विनेरियन टाइगरियन को किंग बनाया जाता है, जिसके 9 से 11 साल बाद वो अपने न्यू हेयर के बारे में सोचता है। वो कौन होगा, उसका कोई बेटा नहीं था और बेटे की वजह से उसके लाइफ में एक ट्रेजिक मोमेंट भी हुई थी। इस कारण वो मन ही मन एक फैसला ले लेता है कि उसका जो न्यू हेयर होगा उसका भाई डायमंड टाइगरियन बनेगा। लेकिन डायमंड टाइगरियन कुछ कांड कर देता है, जिसके बाद विनेरियस अपनी बेटी को न्यू हायर बना देता है। और वहाँ से सभी लोग न्यू हायर के सामने अपनी प्लेज लेते हैं, और जैसे ही रेनेरा प्लेज लेने जा रही होती है, वहीं एपिसोड एंड हो जाता है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो करेक्टर है डायमंड टाइगरियन, ओटो हाईटावर और कॉल्स वेरिएंट, ये आगे के एपिसोड में कुछ कांड करेंगे, जिससे कि स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अगर शो के पहले एपिसोड की पेसिंग की बात करें, तो ये बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के एक टिपिकल एपिसोड की तरह पेसिंग पे चलती है। बाकी इस शो की बात करें, तो इसका VFX, CGI, BGM, सिनेमेटोग्राफी सब एक नंबर था। ऊपर से सारी परफॉर्मेंसेज आर गुड, खास करके किंग विनेरियस की, जिन्हें प्ले किया है पैडी कॉन्स्टेंटाइन ने। जब ये बंदा लास्ट में कुछ डिसीजंस लेता है और अपने भाई से और बेटी से कुछ कंजर्वेशंस करता है, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस देखकर तुम इनके फैन हो जाओगे भाई, इतना ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पे। एपिसोड 1 देखने के बाद मैं एपिसोड 2 के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, लेकिन एक हफ्ते तो करना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और देखते रहो एंड क्रेडिट्स।